जो मध्याह्न भोजन की एक योजना थी सरकार की कि गरीबों को भूखा ना रहना पड़े, उनको भोजन उपलब्ध कराते, वो योजना भी पूरी तरीके से बंद हो गई थी। लेकिन सरकार ने आने वाले दिनों में जो उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक योजना चलाई है कि जितने बच्चे भी नामांकित हैं विद्यालयों में, उनको उनके उनके अभिभावकों के खाते में नकद पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा उनको राशन भी वितरण किया जाएगा। उस व्यवस्था किस तरीके से लागू की गई, हम बात करते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी प्री जी हमारे बीच में हैं। किस तरीके से सरकारी इस योजना को लागू किया गया, बताइए किस तरीके से इस योजना को लागू किया जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़ा एक संख्या होती है प्राथमिक में छात्रों की। उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसा कि निर्णय लिया है, जब हमारा लॉकडाउन 24 मार्च से शुरू हुआ था और हमारे 30 जून तक अब विद्यालय बंद रहना है, इन 76 दिनों में जो हमारी मध्याह्न भोजन योजना संचालित होनी थी उसके लिए, चूँकि वो बाधित हुई है लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 के कारण से, तो उसमें हमारे जो परिषदीय विद्यालय के जो बच्चे थे लखीमपुर में, हमारे 5,36,000 बच्चे हैं, उनको सबको खाद्यान्न और कन्वर्जन कास्ट का जो पैसा था वो उपलब्ध कराने की ये योजना है। इसके लिए जो हमारे परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको 7.6 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा और उनको कुल 76 दिन जो होते हैं उसके हिसाब से 374 रुपये का की धनराशि उनके अभिभावकों के खाते में उपलब्ध कराई जाएगी। इसी प्रकार जो हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो हमारे बच्चे हैं उनको 11.4 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही उनके अभिभावकों को 561 रुपये की धनराशि उनके खातों में उपलब्ध कराई जाएगी। हम लोग इसकी कल ही हम लोग को शासनादेश प्राप्त हुआ है तो हम लोग इसकी तैयारियां शुरू कर दिए हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को अभिभावक जो हमारे हमारे अध्यापक हैं, समूह गुरुजन हैं, उनको विद्यालय में बुलाना है और उनको हमारे जो बच्चे हैं उनका प्रेरणा से जो डाटा है उनको पोर्ट करके देना है कि कोविड-19 का प्रकोप खत्म होगा और 1 जुलाई से स्कूल खुलेंगे। लेकिन जितने भी दिन गुजर चुके हैं, जितना मध्याह्न भोजन बचा था उसको बच्चों को बांटने का जो योजना है उस पर अमल करना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चों के अभिभावक हैं उनके खाते में भी धनराशि भेजने की बात कही है बेसिक शिक्षा अधिकारी ने। लखीमपुर से के न्यूज़ के लिए आमिर रजा।